नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। CAA को लेकर जिस तरह से देश भर में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, उसने हर किसी की जान को सकते में डाल दिया है। जामिया यूनिवर्सिटी में उठे उग्र बवाल के बाद मंगलवार को पूर्वोत्तर दिल्ली के सीलमपुर इलाके में भी जमकर बवाल देखने को मिला। दोपहर 12 से 1 बजे के बीच एक तरफ जहां लोग CAA के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा रहे थे, पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे थे, हिंसात्मक हुए जा रहे थे, वहां कुछ लोग शांति के दूत भी बने हुए थे। शांति के दूत से हमारा मतलब है जो लड़ाई झगड़े से अलग देश में शांति का माहौल चाहते हैं, उग्र प्रदर्शन के खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं और अपने काम के प्रति, देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझते हैं। हम बात कर रहे हैं एक बस ड्राइवर की जो स्कूल की बस चलाते हैं, जो उस समय ही बच्चों को स्कूल से उनके घर छोड़ने के लिए निकले थे जब सीलमपुर इलाके में उपद्रवी CAA के खिलाफ भड़क उठे थे। बस में 25 से 30 बच्चों को लेकर चलने वाला ये ड्राइवर ऐसे समय में उन हिंसात्मक लोगों के बीच फंसने वाला था जब उसकी बस में सिर्फ एक ही बच्चा छोड़ने के लिए बचा था, बाकी बच्चों को वो उनके घर ड्रॉप कर चुका था। लेकिन आप इस ड्राइवर की सूझबूझ देखिए, जो उसे पहले ही आभास हो गया कि माहौल ठीक नहीं है। दरअसल जब वो आखिरी बच्चे को छोड़ने के लिए उसके घर की तरफ बढ़ रहा था तो अचानक ही उसकी बस की खिड़की पर एक पत्थर आकर लगा। ड्राइवर के मुताबिक उस वक्त बच्चा बस में ही था और वो जो पत्थर आया था वो किसी प्रदर्शनकारी ने नहीं फेंका था, बल्कि वो पत्थर किसी घर के अंदर से फेंका गया था, जिससे ड्राइवर को इलाके के हालात समझने में देर नहीं लगी और उसने आगे बढ़ने से पहले ही अपनी सूझबूझ से बच्चे को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए बच्चे के माता पिता को फोन कर दिया। और क्योंकि उस बच्चे का घर थोड़ी दूरी पर था, इसलिए उसने निर्धारित स्टॉप से पहले ही उनको फोन करके बुला लिया। माता पिता को बच्चे को सुरक्षित सौंपने के बाद ड्राइवर ने यूटर्न लिया और विवेक विहार स्थित अरवाचीन स्कूल जाने लगा। लेकिन बीच में ही बस प्रदर्शनकारियों के हत्थे चढ़ गई और बस पर जमकर पथराव किया गया। बस के शीशे टूट गए और काफी नुकसान हुआ, लेकिन गनीमत यह रही कि चालक ने ऐसे माहौल में भी उस बच्चे को सुरक्षित घर पहुंचा दिया। MCD स्कूल के एक अधिकारी के मुताबिक स्कूल के पास भारी पथराव हुआ और छात्रों की सुरक्षा के लिए स्कूल के गेट को बंद कर दिया गया। हालात इतने बेकाबू हो चले थे कि जिस स्कूल में 200 छात्र पढ़ते हैं उस स्कूल में प्रदर्शन के चलते सिर्फ 21 ही छात्र पहुंच पाए थे। फिर जो बच्चे स्कूल पहुंचे भी थे, उन बच्चों को लेने भी उनके माता पिता स्कूल पहुंचे थे, जिन्हें पिछले दरवाजे से बाहर ले जाया गया था। हमारा सवाल बस इतना है कि अगर किसी का भी सरकार से कोई मतभेद है तो फिर प्रदर्शन शांतिपूर्वक क्यों नहीं हो सकता? क्यों उग्र लोग हिंसक रूप अख्तियार कर आसपास के लोगों का भी जीना मुहाल कर देते हैं? ऐसे प्रदर्शनों में पत्थरबाजों को, प्रदर्शनकारियों को तो शायद ही कुछ होता हो, लेकिन आसपास रहने वाले लोगों में जो डर बैठ जाता है वो कई दिनों तक नहीं निकल पाता। ऐसे विरोध दर्ज कराकर क्या प्रदर्शनकारी अपनी मांग को ऊपर रख पाएंगे? क्या सरकार से अपनी बात मनवाने का तरीका सिर्फ हिंसक होना ही रह गया है क्या? देखिए कैसे जान पर खेलकर एक ड्राइवर जो शांति का दूत बन गया, उसने बच्चे को सुरक्षित उसके माता पिता को सौंपा, फिर भले ही उसे पत्थरबाजी का खुद ही शिकार होना पड़ गया।